मिट्टू बोला। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप? मैं पूनम स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। तो आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट सा डेजर्ट जो बिना गैस जलाए ही बनेंगे। तो चलें रेसिपी, लेट्स गो। फ्रेंड्स, डेजर्ट बनाने के लिए हमें क्या लगेगा सबसे पहले चलो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ताज़ा मलाई ली हूँ। ये जो दूध पे मलाई आती है ना, ये वही मलाई है। तो जब ठंडा हो जाता है तो मलाई निकाल लेते हैं। और यहीं पे मैं 2 चम्मच इसमें पाउडर शुगर डालूंगी, यानी पिसी हुई चीनी। इसे अच्छे से फेंट लेना है, मिला लेना है इसे अच्छे से। तो इसमें मैं मिल्क पाउडर डालूंगी 3 चम्मच। आप चाहे तो डेली वाइटनर, यानी कि जो बच्चे को दूध हम लाते हैं ना पिलाने के लिए, वो भी ले सकते हैं। मिला लें अच्छे से इसे। मिक्स हो रहा है, ये खुद अच्छे से मिक्स कर लेना है, गुठलियां ना रहे इसमें। मैंने इसे फेंट लिया, ये मुझे सूखा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी। दूध डाल के इसे थोड़ा सा ढीला कर लेना है। तो ये मेरा बैटर सही हो गया है, मतलब तैयार हो चुका है। मैं इसे रख दे रही हूँ साइड में। तो अब हम क्या करेंगे, 1 कटोरी दूध लेंगे। दूध हमें ताज़ा या ठंडा ही लेना है, गर्म दूध नहीं लेना है। मैंने 1 कटोरी दूध में अब 1 कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिला लेना है। सो फ्रेंड्स, इसका ऐसा बैटर बनाना है कुछ इस तरह से। मैं इसमें 2 चम्मच अब डाल रही हूँ शुगर, पिसी हुई चीनी है। अब साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश, और मैं डालूंगी इसमें कूटी हुई, यानी कि पीसी हुई इलायची। इससे खुशबू बहुत बढ़िया आती है। और इस अब मैं डालूंगी पिसा हुआ नारियल, मैंने डाल दिया है। साथ ही साथ मैं इसमें बादाम डालूंगी कटे हुए, काजू। सो फ्रेंड्स, ये घोल रेडी हो चुका है। ऐसा ही घोल चाहिए था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसी पे मैंने कुछ ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं, जो मैं यहाँ के ये ब्राउन पार्ट कट कर दूंगी। तो ये ब्राउन पार्ट को मैं निकाल ले रही हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें। लेकिन इसी तरह सभी ब्रेड को कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया है को। मैं बीच से ऐसा काट ले रही हूँ, आपको जैसा सेप पसंद है आप वैसा काट लीजिए। तो इसी तरह से हमें सभी ब्रेड को कट कर लेना है। आप अपने मन चाहे शेप में भी काट सकते हैं। मैं फिर से 1 कप दूध ले लिया है। अब दूध में मैं फिर से 1 चम्मच चीनी डालने वाली हूँ। पिसी हुई चीनी मैंने फिर से इसमें डाल दिया है। इस घोल को देखिए, कुछ इस तरह से है ये घोल। अब क्या करेंगे, हम इसे ब्रेड पे डालेंगे। चलो फ्रेंड्स, ये जो मैंने क्रीम बनाया है इसको हम इस पे लगा लेंगे अच्छे से। ये बहुत ही डिलीशियस बनने वाला है। कवर कर देंगे इस तरह से। तो सभी पे हमें लगा लेना है कुछ इस तरह से। सभी ब्रेड पे लगा लेना है क्रीम। फ्रेंड्स, ये दूध और चीनी का जो मैंने घोल बनाया था इस पे हल्का, ये जो मैंने मलाई का मिश्रण बनाया था ना, अब इस पे डाल देंगे। ये देखिए ना, कुछ ऐसा रबड़ी जैसा लग रहा है ना ये मलाई। तो अब इस पे हम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे इसके ऊपर। वाओ, तो ये इंस्टेंट डेजर्ट तैयार हो चुका है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। तो अब मैं क्या करूंगी, जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स है इस पे डाल दूंगी। ये देखिए,
काजू बादाम। फ्रेंड्स ये इंस्टेंट डेजर्ट तैयार हो चुका है जो कि किसी भी मिठाई की दुकान से कम नहीं लग रहा है, तो आप इसे खाएंगे ना तो मुंह में फटक से घुल जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे वीडियो को, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखे अपना ध्यान, बाय बाय, लव यू लॉट।